गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। कल मैंने आपको प्लानिंग और उसकी फीचर्स पढ़ाई थी बेटा, आज हम प्लानिंग के इम्पोर्टेंस पढ़ा रहा हूँ आपको कि प्लानिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। ये तो आप प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप सब जानते हैं कि जो प्लानिंग होता है, नियोजन जो होता है, ये प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कार्य होता है। इट नीडेड टू एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसकी आवश्यकता प्रबंध के हर किसी लेवल पर पड़ती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन बिकम द मीनिंगलेस। यदि प्लानिंग ना की जाए, यदि काम को प्लानिंग के द्वारा ना की जाए, तो सभी क्रियाएँ क्या हैं, बेकार हैं। तो फॉलोविंग इसके इम्पोर्टेंस है, बस ये यहीं तक करना है। इसके बाद इसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। कि जो नियोजन जो होती है वो डायरेक्शन, दिशा निर्देश जारी करता है, निर्देश बताता है। अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। कि नियोजन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है, बिल्कुल आसान शब्दों में। द ऑबियस आउटकम टू हैज द ऑल एम्प्लॉयज़ गेट द डायरेक्शन एंड ऑल द एफर्ट्स फोकस टू वर्ड अ पर्टिकुलर एंड। और जिससे कि संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लिया जाए, सभी एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं। इन दिस वे प्लानिंग हैज़ द इम्पोर्टेंट रोल एंड अटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध के द्वारा, नियोजन के द्वारा हम संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। नंबर सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जोखिम की अनिश्चितता को कम करता है। प्लानिंग, अगर हम कोई भी काम करेंगे और प्लानिंग के द्वारा करेंगे, तो उस यह हमारे जोखिम की अनिश्चितता को कम करेगा। प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। आप सब जानते हैं कि प्लानिंग जो की जाती है भविष्य के लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पॉसिबल चेंज इन टू द फ्यूचर आज एंटीसिपेक्टेड एंड वेरियस एक्टिविटीज आर प्लान इट द बेस्ट पॉसिबल वे। इन दिस वे द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटी कैन बी मिनिमाइज। आप सब जानते हैं कि प्लानिंग जो की जाती है फ्यूचर के लिए की जाती है। अगर हमारा फ्यूचर का काम अच्छा होगा, फ्यूचर के लिए अगर हमने अच्छी प्लानिंग कर ली, तो जितने भी काम किए जाएंगे, समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेंगे। जब सभी समस्याओं का समाधान हम आसानी से कर लेंगे, तो यह प्लानिंग के द्वारा हम जितने भी बिजनेस में आने वाले रिस्क को भी कम कर सकते हैं। जो फ्यूचर में रिस्क आएंगे, उनको हम कम कर सकते हैं। नंबर थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग के द्वारा हम जो बार बार जो क्रियाएँ होती हैं ना, जो यूजलेस एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी ख़त्म कर देते हैं। ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ को कम कर देता है ये, जो निरंतर क्रियाएं की जाती हैं और उनमें कोई अगर अनावश्यक क्रिया है, तो उसे ये रिड्यूस करता है। अंडर द प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ आर प्लान इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव कंसलेंटली द प्रॉब्लम व्हेन वे व्हाट एंड व्हाई आर ऑलमोस्ट डिसाइड। कि इसके अंतर्गत पहले से ही सारी एक्टिविटीज़ को डिसाइड कर दिया जाता है कि किसको क्या करना है। दिस पुट एन एंड ऑफ द डिस्क्लोज द सफिशियस दिस सिचुएशन कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिशिंग अंदर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंट। जिसके अंतर्गत हम एक समन्वय स्थापित कर देते हैं कि भैया किसको क्या करना है, ये इसका बॉस है, ये काम करेगा, ये काम करेगा। इट पुट्स एंड ऑफ द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ टू बी एंड ऑफ। जिससे क्या होता है कि जितने भी हमारी बेकार की अनावश्यक क्रियाएँ होती हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। ये नए नए विचारों की खोज करता है। प्लानिंग के द्वारा नए नए विचारों की खोज की जाती है। इन दिस क्लियर प्लानिंग सेलेक्टेड द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट द मैनी अवेलेबल। प्लानिंग के द्वारा बहुत सारे विकल्पों में से किसी एक अच्छे विकल्प का चुनाव करते हैं। ऑल दीज अल्टरनेटिव डू नॉट कम टू द मैनेजर देयर ऑन बट दे हैव टू बी डिस्कवर्ड। वाइल मेकिंग द सच एफर्ट डिस्कवरी मैनी न्यू आइडियाज एमर्ज एंड देज स्टडी इनिशिएटिवली ऑर्डर डिटरमाइन द बेस्ट आउट ऑफ देम। और उनमें से हम किसी एक महत्वपूर्ण पॉइंट को चुन करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और नए नए विचारों की खोज होती है इससे। नेक्स्ट है बेटा, प्लानिंग हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। ये भी लिख सकते हो, प्लानिंग फैसिलिटी टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन द प्रोसेस टेकिंग डिसीजन। मतलब डिसीजन का मतलब ये निर्णय लेना।
under is the variety of alternative discovered and the best alternative is chosen. प्लानिंग के द्वारा बहुत सारे तत्व हम किसी एक का चुनाव करते हैं. प्लानिंग एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, या ये भी बोल सकते हैं प्लानिंग हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग. प्लानिंग के द्वारा ही नियंत्रण किया जाता है. बाय डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द प्लानिंग, ऑल द पीपल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द डिपार्टमेंट आर इन्फॉर्म अबाउट एंड व्हाट एंड हाउ एंड थिंग्स स्टैंडर्ड आर लेड डाउन अबाउट द वर्क टाइम एंड कॉस्ट ईटीसी. ठीक है ना. अंडर द कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ कंप्लीट द वर्क एंड एक्चुअल वर्क इज कंपेयर्ड. ठीक है ना बेटा. क्या होता है कि प्लानिंग में सबसे काम पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन करेगा, और फिर कंट्रोलिंग के अंतर्गत यह देखते हैं कि काम एक्चुअल कंडीशन में पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, तो जिससे कि हम संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं. तो ये सब हमारे इम्पोर्टेंस थे बेटा. इसमें बेटा हमारी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं कि सीमाएं बताओ. लिमिटेशन होती हैं एक तरीके से हानियाँ. तो मैं हानियों में मैंने कई बार आपको बताया है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि किताब की तरह ही किया जाए. तो हानियों में सबसे पहले नंबर एक लिखना बच्चों, मैं बोल रहा हूँ. नंबर एक, इट इज़ ए कॉस्टली प्रोसेस. प्लानिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है. ठीक है, इट इज़ ए कॉस्टली प्रोसेस. नंबर सेकेंड, इट इज़ डिले इन वर्क. इससे ना काम डिले हो जाता है, क्योंकि काम को सिस्टम एक ढंग से करते हैं तो काम इतनी जल्दी नहीं हो पाता. इट इज़ वेस्टफुल एक्टिविटी. ये हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी है. ठीक है ना. और क्या लिख सकते हैं, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. ये थर्ड सेकेंड पॉइंट लिख लेना बेटा इसमें से, ये अच्छा भी है. प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक, मतलब ये जो बदलता हुआ वातावरण है उसमें काम नहीं करता. प्लानिंग बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फ्यूचर अपीयर, सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनामिक, देयर द फ्यूचर एप्लीकेंट्स आर नॉट ऑलवेज ट्रू. जब वातावरण बदलता रहता है, चेंज इन पॉलिसीज होती रहती है, तो उसमें एनवायरनमेंट में ये काम नहीं करता. प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. प्लानिंग ना कार्य क्षमता को, क्रिएटिविटी को कम करता है. अंडर द प्लानिंग ऑल एक्टिविटी कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटरमाइंड. है ना. एवरीबॉडी वर्क्स हैव बियर डायरेक्ट टू द हैज बीन क्लियर इन प्लान. ठीक है, वो एक दूसरे से निर्भर करते हैं, तो इससे हमारी क्रिएटिविटी भी कम होती है. प्लानिंग में ज़्यादा कॉस्ट आती है. प्लानिंग इज टाइम कंज्यूम प्रोसेस है. ये बस प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस. प्लानिंग बेटा गारंटी, सक्सेस की गारंटी नहीं देता, ये भी ध्यान रख लेना. प्लानिंग कभी भी, सिक्स पॉइंट को पढ़ रहा हूँ मैं, गारंटी ही नहीं देता कि तुम सफल हो ही जाओगे. तो ये केवल इसके हेडिंग लिख लेना, पाँच छः पॉइंट है, ये दो नंबर में आता है. ठीक है बेटा, श्री राधे.